राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन जमीन मामले को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला लगातार सामने आ रहा है। आए दिन जमीन विवाद मामले में बाउंसरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उरबांजी थाना के हरचंदा गांव में खाता नंबर 4 प्लॉट नंबर 507 रघुआ 94 डिसमिल दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। यह जानकारी करण करकेटा हरचंद निवासी ने प्रेस को दी। उन्होंने कहा कि हमारी पुश्तैनी जमीन पर अर्जुन उड़ाव, कमल उड़ाव और बुधराम उड़ाव ने भूमाफियाओं दलालों के मदद से जमीन पर जबरदस्ती निर्माण करा रहे थे, जबकि उस जमीन पर धारा 144 लगा हुआ है और मामला कोर्ट में चल रहा है। जमीन पर जब भूमाफियाओं द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था तो जमीन पर जाने पर उन लोगों के द्वारा मारपीट की गई, जिसमें कई लोगों को चोट लगी तो कई का सर फटा, किसी का हाथ फटा और एक महिला का कमर टूट गया। इसकी शिकायत उरबांजी थाना में दर्ज कराया गया है। इस मारपीट में सावित्री देवी, ललिता देवी, सिकंदर उड़ाव, आनंद उड़ाव और करण केरकेटा बुरी तरह से घायल हुए। घायलों को रिम्स रेफर कर दिया गया। इस मामले में पीड़ित परिवार न्याय का गुहार लगा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उरबांजी थाना हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग सीनियर SP रांची के पास जाएंगे। थाना में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से आवेदन दी गई है और पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच कर रही है। ये मामला जमीन का है और ये कारोबार लगभग 1 साल से चल रहा है और ये जमीन दलाल के द्वारा किया जाता है और बाहर से लेडीज जेंट्स सबको बुलाते हैं और बार बार हम लोग को धमकी दिया जाता है कि गोली मार देंगे, धमकी तो जान से मार देंगे घर से निकाल के, ये सब बोल के। तो आज ये 10:30 के बीच में ये कांड हुआ है। हम लोग को पता चला कि वहाँ रूम बनाया जा रहा है तो फिर हम लोग जैसे वहाँ रोकने के लिए गए कि 144 धारा लागू हुआ है, जिसके तरफ से डिसीजन होगा उसके बाद ये कार्रवाई कीजिएगा। तो वो लोग डायरेक्ट आके हम लोग पे हाथी करके और पूरा औजार के साथ आए थे, कोड़ी उड़ी लेके और डंटा लाठी से दौड़ा दौड़ा के मारने लगे। हम तो यही चाहते हैं कि ये क्या बोलते हैं, जो भी जख्मी है वो लोग को देखते हुए कानूनी कार्रवाई किया जाए और वो लोग को गिरफ्तार किया। हम ये जमीन का मामला है, नाम करण केरकेटा है, मैं हरचंदा निवासी हूँ, पिताजी सिकंदर पूरा। ये जमीन का मामला बहुत दिनों से दलाल से चलते आ रहा है और ये सब जो कांड हुआ सब दलाल के ही कहने से और उसी के आदेश में हुआ है। गोतिया मेरा जमीन में जबरदस्ती गोतिया सब अथी घर रूम बना रहा था, बाउंड्री कर रहा था, तो जब हमें मुझे पता चला तो मैं अपने परिवार के साथ में 6 आदमी गए थे मना करने के लिए, बात करने के लिए कि जबरदस्ती काम मत करो, अनुमंडल न्यायालय में 144 का धारा लगा हुआ है, चल रहा है, आदेश आने दो, उसके बाद हम जिसका भी पक्ष में होगा उसका हो जाएगा बोल के। लेकिन वहाँ गए और अचानक जानलेवा हमला, हम लोग सभी परिवार पर परिवारों पर जानलेवा हमला हो गया। जमीन मेरे अथी दादाजी के नाम से है, हो गया है, वो सबका अलग है, हम लोग का अलग है। खाता नंबर 4 का है, प्लॉट नंबर 507 रकबा 94 डिसमिल, आपस में बैठ के क्यों मसला, उसका बगल वाला प्लॉट वो सबका है और उसका जो प्लॉट में वो जब घर बना रहा था वो हम लोग का हिस्सा में है तो कैसे बेच के मछवारा करें। उनको बेच के ख़त्म कर दिया है, मेरा प्लॉट को जबरदस्ती बोलता है कि मेरा है, हम छीन के रहेंगे, लूट के रहेंगे, जैसे भी लूटेंगे, चाहे जान मार के लूटे, चाहे किसी तरह भी लूटे, लूट के रहेंगे। और ये सब भूमाफिया के द्वारा किया जा रहा है। मैं तो वही गए थे, अचानक जानलेवा हमला हुआ तो मैं हाथ को हम हाथ लगाए रोकने के लिए तो उसी में लगा है, प्रकट गया है। और मेरे पिताजी भी जख्मी है, भैया भी जख्मी है, भाभी भी जख्मी है, माँ भी जख्मी है। असल से ही गुहार लगाने चाहिए कि हम लोग का देखते हुए हम लोग को कानूनी का अथी क्या बोलते हैं जो मारपीट किया मैं हम लोग के साथ मेरे परिवार के साथ में, सब कानूनी कार्रवाई हो और सबको जेल भेजा जाए। मेरा नाम करण केरकेटा हुआ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।